दुनिया में सिर्फ 3 जनरल ऐसे हुए जिन्होंने आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारी। अगर किसी को पेशवा बाजीराव पे मूवी बनानी होगी तो वो बाजीराव मस्तानी बनाएगा, और कोई भी आदमी हो अगर उसे भले जीरो नॉलेज हो ऑस्कर की, वो कभी भी कॉपीड मूवी भेज के ऑस्कर में अपना और देश का टाइम खराब नहीं करेगा। तू नंगा ही तो आया था क्या घंटा लेके जाएगा, इसको हमने बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया है। कॉमेडी हो, साइंस फिक्शन हो, थ्रिलर, एक्शन, हर चीज में रोमांस डाल देते हैं। लेकिन उसके बाद भी मॉरिटेनिया जैसी कंट्रीज जो हमसे पैसे और पॉपुलेशन में बहुत पीछे हैं, वो हमारी मूवीज को पीछे करके फाइनलिस्ट बन जाती। 1958 से लेके आज तक 63 ईयर्स हो गए हैं और सिर्फ 3 बार इंडियन मूवीज नॉमिनेट हुई हैं। वो कभी आके बड़े बड़े स्टार्स नहीं लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको एक्टिंग करवानी है। 10 मिनट तक जूते का एक शॉट लेके भाईजान की एंट्री नहीं करवानी है वहाँ पे। देखिए, यूएस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, जो 1929 से हर साल एक फंक्शन कराती है जहाँ पे वो अवार्ड्स देती है, जिसको एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं और हम लोग ऑस्कर के नाम से जानते हैं। तो ये अवार्ड्स देता कौन है और इस अवार्ड के विनर डिसाइड कैसे होते हैं? देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास 7,000 से भी ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर हैं जो कि जज की तरह एक्ट करते हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए राइटर्स की कैटेगरी के लिए अलग मेंबर हैं, डायरेक्टर की कैटेगरी के लिए अलग मेंबर हैं, ऐसे ही एक्टर की कैटेगरी के लिए अलग मेंबर हैं, और जो जिस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है वो उसी कैटेगरी में वोट देके विनर डिसाइड करता है, और इन रजिस्टर्ड मेंबर्स के नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं होते हैं। देखिए, यूएस का अवार्ड फंक्शन है जिसमें 23 कैटेगरीज के लिए अवार्ड्स मिलते हैं, और इन 23 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी है बेस्ट मूवी इन फॉरेन लैंग्वेज। इस एक कैटेगरी के लिए सारी कंट्रीज अपनी अपनी कंट्रीज से मूवी नॉमिनेट करके ऑस्कर में भेजती हैं, बाकी किसी भी और कैटेगरी में वो एलिजिबल नहीं होती हैं। और ये जो बेस्ट मूवी इन फॉरेन लैंग्वेज वाली कैटेगरी है, इसमें हॉलीवुड की कोई भी मूवी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। इनफैक्ट अगर डायलॉग्स 40% से ज्यादा इंग्लिश में हो तो मूवी रिजेक्ट हो जाती है। फिल्म फनी बॉय की बात करूं तो मैं मूवी इसलिए रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि उसमें इंग्लिश में डायलॉग्स ज्यादा थे। और अगर कोई कंट्री बाकी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना चाहती है तो उसके लिए आपकी मूवी यूएस कॉमर्शियल थिएटर में एटलीस्ट 7 दिन तक चली होनी चाहिए। जब कंट्रीज अपने नॉमिनेशन भेज देती हैं, फिर ऑस्कर के रजिस्टर्ड मेंबर वोटिंग करके टॉप 10 मूवी सेलेक्ट करते हैं। उन टॉप 10 में से टॉप 5 सेलेक्ट होती हैं और उन टॉप 5 में से एक मूवी जीतती है ऑस्कर। इंडिया से कौन सी मूवी ऑस्कर के लिए जाएगी ये डिसाइड करता है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। हर वो मूवी जो प्रीवियस कैलेंडर के अक्टूबर और सितंबर के बीच में प्रोड्यूस हुई है, जिसके पास सेंसर सर्टिफिकेट है और 7 दिन तक इंडिया के कॉमर्शियल थिएटर में चली है, उस मूवी का प्रोड्यूसर एलिजिबल है फिल्म फेडरेशन को अपनी मूवी का नॉमिनेशन देने के लिए। जितने भी सबमिशन आते हैं उसमें से फिल्म फेडरेशन एक मूवी सेलेक्ट करके ऑस्कर के लिए भेज देता है। ऑल ओवर इंडिया से हर साल 1800 के करीब मूवीज प्रोड्यूस होती हैं। 1958 से लेकर आज तक 63 ईयर्स हो गए हैं और सिर्फ 3 बार इंडियन मूवीज नॉमिनेट हुई हैं, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान। पूरे वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे हैं फिल्म प्रोड्यूस करने में। लेकिन उसके बाद भी मॉरिटेनिया जैसी कंट्रीज जो हमसे पैसे और पॉपुलेशन में बहुत पीछे हैं, वो हमारी मूवीज को पीछे करके फाइनलिस्ट बन जाती है। आपको लग रहा होगा कि इंडियन मूवीज मसाला मूवी होती हैं, लंबी होती हैं, गाने होते हैं, गोरों को कहां समझ में आएंगी। लाला लैंड और शिकागो जैसी मूवी में भी गाने थे। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, गॉन विद द विंड बहुत लंबी मूवी थी। और जब ईरान और मॉरिटेनिया जैसी कंट्रीज जीत रही हैं तो हम इतने सालों से एक भी ऑस्कर क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? जो लोग इस चीज को डिफेंड करते हैं उनका कहना है कि हमें ऑस्कर के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। देखिए, हो सकता है कि ऑस्कर सच में इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ऑस्कर का जो बाय प्रोडक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई मूवी ऑस्कर जीतती है तो वो अपनी कंट्री को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले आती है। कुछ कंट्रीज तो इसको ओलंपिक की तरह सेलिब्रेट करती हैं। आप में से कितने लोगों ने पैरासाइट मूवी ऑस्कर जीतने के बाद देखी या सुनी? जब कोई मूवी ऑस्कर जीतती है तो दुनिया भर के लोग वहाँ के सिनेमा, वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं। हो सकता है ऑस्कर इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन उसकी वजह से जो एक्सपोजर मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आप देखो, पूरे वर्ल्ड में कोरियन मूवीज और सीरीज को लोगों ने देखना शुरू कर दिया। वो एक ऑस्कर जीत के मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। लोगों को वहाँ के कल्चर के बारे में पता चल रहा है। और स्क्विड गेम जैसी सीरीज पैरासाइट जीतने के बाद ही नोटिस हुई। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहूंगा, दैट इज स्किल शेयर। सो स्किल शेयर एक ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी है जहां पर थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, मार्केटिंग एंड मेनी मोर। ये सभी क्लासेस आर क्यूरेटेड फॉर लर्निंग बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड लीडर्स। काफी लोग ऑलरेडी स्किल शेयर को जानते हैं और यूज भी कर रहे होंगे। आपको किसी हॉबी या स्किल सीखने में इंटरेस्ट हो तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से स्किल शेयर पे जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं क्लासेस रिलेटेड टू योर पैशन। मैं खुद स्किल शेयर पे प्रोडक्टिविटी की क्लासेस ले रहा हूँ। मैंने ये प्रोडक्टिविटी फॉर क्रिएटिव क्लास बाय थॉमस फ्रैंक से बहुत कुछ सीखा है, जैसे मैं अपने टाइम को कैसे बेटर मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सीखा है कैसे अपना डे प्लान करके हम और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। स्किल शेयर क्लासेस की रेंज इतनी वाइड है कि चाहे आपको फोटोग्राफी या डिज़ाइनिंग सीखनी हो या चाहे आर्ट या क्राफ्ट, कुछ भी हो आप सीख पाएंगे, वो भी अपने शेड्यूल और कन्वीनियंस के हिसाब से। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्किल शेयर पर अब इंडियन क्रिएटर्स भी क्लासेस ले रहे हैं, जैसे कि अलीशा सूजा, लिली सिंह एक्सेट्रा।
ये सभी क्लासेस एड फ्री हैं, दैट मींस कि नो इंटरप्शन। स्किलशेयर की एनुअल मेंबरशिप बहुत ही अफोर्डेबल है और वैल्यू फॉर मनी है, एंड इट्स लेस देन 2000 रुपीज एनुअली, जो कि मंथली अप्रॉक्स 166 रुपीज। ये तो एक कॉफी के प्राइस से भी कम है, और इसमें आपको एक्सेस मिल रहा है टू द एंटायर लाइब्रेरी ऑफ क्लासेस ऑन स्किलशेयर। ऑल्सो मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जो पहले 1000 व्यूअर्स उस लिंक को क्लिक करके स्किलशेयर ज्वाइन करेंगे उनको मिलेगा एक मंथ का फ्री ट्रायल, सो डू चेक इट आउट। तो क्या हमारे पास टैलेंट या रिसोर्सेज की कमी है? देखिए, वनु अथैया, एआर रहमान, गुलजार, रसूल, ये सब बाहर के लोगों के साथ काम करके ऑस्कर जीत रहे हैं, और जैसे ही इंडियन प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, बाहर से डायरेक्टर्स आते हैं, हमारी कहानी, हमारा कल्चर, हमारे रिसोर्सेज, हमारे एक्टर, यहाँ तक कि क्रू मेंबर तक यूज़ करते हैं, एक मूवी बनाते हैं और ऑस्कर लेके निकल लेते हैं। वो कभी आके बड़े बड़े स्टार्स नहीं लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको एक्टिंग करवानी है, 10 मिनट तक जूते का एक शॉट लेके भाईजान की एंट्री नहीं करवानी है वहाँ पे। मान लीजिए मैं एक टीम का कैप्टन हूँ जो पिछले 60 साल से हार रही है, एक दिन एक आदमी बाहर से आता है, मेरी जगह कैप्टन बनता है और सेम टीम को यूज़ करके वर्ल्ड कप जितवा देता है। इसका मतलब टीम में दिक्कत नहीं है, कैप्टन के एग्जीक्यूशन की दिक्कत है। तो कैप्टन को बैठ के सोचना चाहिए कि वो कहाँ गलत है, रेदर देन ये कहना कि हमें किसी वर्ल्ड कप के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर मैं 1957 से 2012 तक के डेटा की बात करूँ तो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 45 मूवीज भेजी हैं ऑस्कर के लिए, जिसमें से 30 मूवीज बॉलीवुड से थी। ये बंगाली, मलयालम, तेलुगु, असामिस मूवीज को कम प्रेफरेंस देते हैं। वहीं मैं नेशनल अवार्ड की बात करूँ तो वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस खराब है। बॉलीवुड ने सिर्फ 8 नेशनल अवार्ड जीते हैं, वहीं बंगाली मूवीज ने 14 और मलयालम मूवीज ने 12 जीते हैं। अब ये क्या क्राइटेरिया लगाते हैं सेलेक्ट करने का, और क्यों बॉलीवुड की मूवीज़ को ज़्यादा भेजते हैं ऑस्कर्स में, ये आज भी एक रहस्य है। ऑस्कर अवार्ड्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी मूवी कॉपी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जज को सिर्फ डाउट है, एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं है, अगर उसको सिर्फ डाउट है तो वो मूवी राइट अवे रिजेक्ट कर देगा। इसके लिए 0% टॉलरेंस है ऑस्कर के अंदर, और कोई भी आदमी हो, अगर उसे भले जीरो नॉलेज हो ऑस्कर की, वो कभी भी कॉपीड मूवी भेज के ऑस्कर में अपना और देश का टाइम खराब नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद भी हमने गली बॉय, बर्फी जैसी मूवीज ऑस्कर में भेजी। बर्फी ने चार्ली चैपली के एज इट इज सीन कॉपी किए और क्लाइमेक्स पूरा का पूरा द नोटबुक से उठा लिया। ये चीज़ सबको पता थी, उसके बाद भी ये मूवी भेजी गई। गली बॉय 8 माइल से कॉपी की गई है, आप एक सर्च मारोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सीन कब कॉपी किया गया है। गली बॉय मुझे खुद काफ़ी पसंद है, लेकिन एक कॉपी कॉन्टेंट ऑस्कर में भेजना हमेशा से खराब डिसीजन है। उसकी बजाय आप सुशांत सिंह की अगर सोन चिरैया भी भेजते या तुम्बाद भेजते तो एटलीस्ट हम लोगों के चांसेस तो बनते। गली बॉय पहले स्लॉट में ही बाहर हो गई, जीतना तो बहुत दूर की बात है, और सेम मूवी को हमने अलग अलग कैटेगरी में 40 से भी ज़्यादा अवार्ड दिए। जब हम ऐसा करते हैं कि एक मूवी बुरी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे फेल हो जाए और उसको इंडिया में हम 40 अवार्ड दे दें, तब हम दुनिया के सामने अपनी बेंचमार्क्स बता रहे होते हैं। तू नंगा ही तो आया था क्या घंटा लेके जाएगा, इसको हमने बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड दिया है। क्या इंडिया का ये सबसे बेस्ट लिरिक्स था उस टाइम का? गुलजार और आनंद बख्शी जैसे राइटर के लिरिक्स उठा के आप देखिए, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि बेस्ट लिरिक्स क्या होता है। कॉमेडी हो, साइंस फिक्शन हो, थ्रिलर, एक्शन, हर चीज़ में रोमांस डाल देते हैं। चंद्रयान जैसी मूवी में भी लव स्टोरी ज़रूरी है। पेशवा बाजीराव, इन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, एक भी लड़ाई नहीं हारी इन्होंने। दुनिया में सिर्फ 3 जनरल ऐसे हुए जिन्होंने आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारी। अगर किसी को पेशवा बाजीराव पर मूवी बनानी होगी तो वो बाजीराव मस्तानी बनाएगा। देखिए, जब आप फिल्म ऑस्कर में भेजते हैं तो बात वहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, आपको कम से कम 15 या फिर 20 फिल्म फेस्टिवल में अपनी मूवी को स्क्रीन करवाना होता है, और कुछ कंट्रीज़ तो 15 से 100 फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन करवाती हैं, और हर एक फिल्म फेस्टिवल में मूवी भेजने पे पैसा लगता है। फिल्म फेस्टिवल आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई एक्सपो लगा हुआ है मूवी का, या फिर एक मेला लगा हुआ है मूवी का, जहाँ पर आपकी मूवी अगर जाती है तो इंटरनेशनल लेवल पर लोग बात करते हैं, आपकी मूवी की मार्केटिंग होती है, जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल या फिर वेनिस फिल्म फेस्टिवल। जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम में किसी नए प्लेयर को सेलेक्ट करना हो तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट पर नज़र रखते हैं, ठीक उसी तरीके से जब हम मूवीज़ अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीन करते हैं तो मूवी की मार्केटिंग होती है, लोग मूवी के बारे में बात करते हैं, और जिस मूवी के बारे में लोग ज़्यादा बात करते हैं ऑस्कर के जजेस पे भी उसका इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल में अपनी मूवी को स्क्रीन करवाते हैं। देखिए, मूवी अच्छी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन फिल्म फेस्टिवल के अंदर स्क्रीनिंग होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मराठी मूवी शवास ऑस्कर के हिसाब से बहुत ही अच्छी मूवी थी, सबको लग रहा था कि ऑस्कर जीत सकती है, लेकिन उसके बाद भी मूवी इतना भी पैसा नहीं था उसके पास कि वो 5 से 6 फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीनिंग करवा सके। किसी बड़े स्टार या फिर किसी बड़े डायरेक्टर ने हेल्प नहीं की। अमिताभ बच्चन ने 2 लाख रुपए दिए, लेकिन उस 2 लाख से भी सिर्फ 2 फिल्म फेस्टिवल में ही स्क्रीनिंग हो पाई। इसके बाद भी इस मूवी को 755.4 पॉइंट्स मिले और टॉप 6 तक पहुंची। जिस मूवी ने इसको हराया था उसको 771 पॉइंट्स मिले थे, और जो मूवी टॉप 5 में पहुंची थी उनको 50 से 100 फिल्म फेस्टिवल की स्क्रीनिंग मिली थी।
जितना पैसा हमने लगान की मार्केटिंग में लगाया था, अगर उतना पैसा इस मूवी पे लग गया होता तो शायद ये मूवी जीत भी सकती थी।